राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम रमन है। आप देख रहे हैं खेती की जानकारी यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से हमारी फसलों में इस्तेमाल की जा रही दवाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। हमारा आज का टॉपिक एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड के बारे में है, जिसका टेक्निकल नाम इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL है। ये रस चूसने वाले सभी प्रकार के कीटों पर प्रभावशाली नियंत्रण देने में सहायक है। इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL का प्रयोग हम अधिकतर फसलों में कर सकते हैं, जैसे लौकी, खीरा, कद्दू, बैंगन, टमाटर, भिंडी, करेला, कपास, आम, गन्ना, उड़द, मूंग, अरहर, धान आदि फसलों में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL का प्रयोग हम अपनी फसलों में रस चूसक कीट जैसे कि जैसिड, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, हॉपर और एफिड के कंट्रोल के लिए कर सकते हैं। बाजार में ये टेक्निकल दवा अलग अलग कंपनियों की विभिन्न पैक साइज में और अलग अलग व्यापारिक नाम से उपलब्ध हैं। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की ये मीडिया के नाम से मिल जाएगा। इंडो स्विस केमिकल्स लिमिटेड का ये स्पेक्ट्रा के नाम से आता है। आपके क्षेत्र में जिस भी अच्छी कंपनी की ये दवा उपलब्ध हो, आप अपनी फसल में प्रयोग में ले सकते हैं। जो किसान भाई हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि दी गई जानकारी का वह भी लाभ ले सकें। इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL कीटनाशक का प्रयोग आप अपनी फसलों में दो बार तक कर सकते हैं। इस दवा का छिड़काव का रिजल्ट 15 दिन तक रहता है। प्रयोग की मात्रा 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। 100 ml प्रति एकड़ की दर से इसका फसलों में प्रयोग किया जाता है। गन्ने की फसल में इस दवा का प्रयोग दीमक के कंट्रोल के लिए किया जाता है। हमारी भिंडी, बैंगन और टमाटर जैसी फसलों में प्रयोग मात्रा 25 ml प्रति स्प्रे पंप 15-16 लीटर वाली में लेना चाहिए। इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL का 1 लीटर का पैक लगभग 1400 रुपये का आता है। इसकी 100 ml की शीशी 175 रुपये की आती है। कीमतें आपके क्षेत्र में कम या ज़्यादा हो सकती हैं। इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL का प्रयोग आप अपनी 20 दिन की पौध में कर सकते हैं। ये दवा अधिकतर मच्छरों पे, जैसे हरा फुदका, भूरा फुदका और माहों पे बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। बाजार में इसके विभिन्न पैक साइज उपलब्ध हैं। कम प्रयोग मात्रा के वजह से किसानों के बीच में ये अधिक लोकप्रिय है। आशा करता हूँ वीडियो में दी जानकारी से आपको लाभ होगा और आपकी फसलें रोगमुक्त रहेंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।